अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाने लगे हैं रमज़ान स्पेशल मिनी ब्रेड्स। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। सबसे पहले क्या करना है, हमें एक बाउल ले लेना है। उसमें मैंने तकरीबन 250 ग्राम चिकन लिए, उसको बॉईल कर लिया था और उसको श्रेड कर लिया है। फिर इसमें मैं 3 टेबल स्पून मायोनीज़ के शामिल कर रही हूँ, या मैं 1 टेबल स्पून बारबेक्यू सॉस, सोया सॉस में शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून, शिमला मिर्च में शामिल कर रही हूँ तकरीबन 4 से 5 अदद, नींबू का रस शामिल कर रही हूँ मैं यहाँ पे तकरीबन 1 टेबल स्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून, उसके बाद मैं पेपरिका पाउडर शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1/2 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, और इन सब को अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी। ये देखिए, मैं इसको अच्छी तरीके से छोटे स्पैचुला की हेल्प से मैंने मिक्स कर लिया सारा। इसको हम साइड पर रख देंगे। अब मैं स्लरी तैयार कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने तकरीबन 3 से 4 टीस्पून मैंने यहाँ पे मैदा लिया है, उसमें मैं थोड़ा सा पानी शामिल कर रही हूँ। एक नॉर्मल सी स्लरी बनानी है, ना ही ज़्यादा रनी होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा गाढ़ी गाढ़ी सी। उसके बाद मैंने ब्रेड ले लिए लार्ज साइज़ की, मैं इसके कॉर्नर्स निकाल लूँगी इस तरीके से। कुछ कॉर्नर्स मैं अलग अलग कर लूँगी सारे, और कॉर्नर्स बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होंगे, हम इसके ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। फिर मैंने एक बेलन की हेल्प से इसको थोड़ा सा बेल लिया है, फ्लैट कर लिया अपनी स्लाइस को। इसको बीच में से हाफ करूँगी नाइफ की मदद से। थोड़ा सा मसाला ले लूँगी मैं स्पून में, और थोड़ा सा तकरीबन 1/2 टीस्पून इसको मैं ब्रेड पे रख दूँगी। सेकेंड ब्रेड पे भी मैं यही काम करूँगी। ये देखिए, मैंने रख दिया है मिडल में थोड़ा सा मसाला अपना। अब मैंने यहाँ पे चीज़ ले ली है, श्रेडेड मोज़रेला चीज़ ले ली है। अब थोड़ी सी वो शामिल कर दूँगी उसके ऊपर, इससे क्या होगा, चीज़ ही हमारी मिनी ब्रेड्स बनेंगे। उसके बाद मैं स्लरी साइड्स पे इस तरीके से लगाऊंगी कि हम इसको तकरीबन फुल फोल्ड कर सके, बिल्कुल भी कहीं भी ऑयल जाने की कोई भी जगह ना रहे। पैक कर दूँगी बिल्कुल स्लरी की हेल्प से चारों तरफ से। ये देखिए, कुछ इस तरीके से प्रेस करती जाऊंगी और अपनी स्लरी थोड़ी थोड़ी लगा के प्रेस करती जाऊंगी, जिस तरीके से पूरा पैक हो जाएगा और ऑयल जाने की कोई भी जगह नहीं बचेगी। अच्छी तरीके से पैक करेंगे वरना हमारी ब्रेड्स में, मिनी ब्रेड्स में ऑयल बढ़ जाएगा। ये देखिए, मैं अच्छी तरीके से इसको पैक कर रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, रमज़ान में बनाए, इफ्तार पार्टीज़ में बनाए, बहुत ही ईजी भी है, जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है। ये देखिए, मैंने सारी अपनी मिनी ब्रेड तैयार कर ली हैं। अब मैं क्या करूँगी, इनको साइड पे करूँगी। और 2 अदद अंडे ले लिए मैंने यहाँ पे, उसमें मैं तकरीबन 1/2 टीस्पून नमक का शामिल करूँगी, और 1/2 टीस्पून ही यहाँ पे मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें ले ली हैं उसके शामिल करूँगी, और इन लोग इसको फेंट लूँगी अच्छी तरीके से। ये देखिए, मैंने इसको अच्छी तरीके से फेंट लिया है। अब मैंने ब्रेड क्रम ले लिए हैं, जो हमने ब्रेड के कॉर्नर्स निकाले थे, आप उसके ही ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। तो अब हम इसकी कोटिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं इसको अंडे में डिप करूँगी, फिर इसको ब्रेड क्रम में डिप करेंगे। सेम हाथों से नहीं करेंगे, वरना आपके उस हाथ पे ब्रेड क्रम हो जाएंगे सारे, लग जाएंगे। दूसरे हाथ की मदद से ब्रेड क्रम की कोटिंग करेंगे। ये देखें, कोटिंग हो गई है। अब मैं इसको रख दूँगी। अभी सारे मैंने कोट कर लिए थे इस तरीके से। अब इसको फ्रीज़र में रख देंगे। आप चाहें तो इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, वरना तो तकरीबन 1/2 आवर फ्रीज़ करके इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो मैं इसको 1/2 आवर के लिए फ्रीज़र में रख ली हूँ। यहाँ पे मैंने तेल ले लिया है, तकरीबन आधे घंटे बाद मैं इसको फ्राई करूँगी। अच्छा, इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे ताकि हमारी अंदर की चिकन भी पक जाए अच्छी तरीके से। ये देखिए, तकरीबन 3.5 मिनट एक साइड पे और 3.5 मिनट दूसरी साइड पर पकाएंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे इसको पकने के लिए, ताकि इसमें चिकन भी अच्छी तरीके से पक जाए और नाइस सा हमारा कलर आ जाए, लाइट ब्राउन सा। ये देखिए, अब ये हमारे रेडी हो चुके हैं। तकरीबन 5 से 5.5 मिनट हो चुके हैं और हमारे मिनी ब्रेड्स भी रेडी हो चुकी हैं। मैंने इसको अभी टर्न कर दिया। ये देखिए, मज़ेदार से मिनी ब्रेड्स तैयार हैं। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।